हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर अ हाउस लाइक दिस। तो इसमें एक जो बच्चा है वो बताता है कि मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जो चलेंगी पूरे एक हफ्ते तक। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में एक कैंप लगने वाला है और जो बच्चे हैं वो पूरे देश के कई सारी जगह से उस कैंप में आएंगे और टेंट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं पूरे ग्राउंड्स पे सबके रुकने के लिए। और हमने उनको डेकोरेट किया है अपने स्कूल को ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से। और कुछ बच्चों ने क्या किया है, स्ट्रीमर्स मतलब कुछ पर्दे से लगा दिए हैं डोर के बाहर, और कुछ ने पोस्टर्स बनाए हैं आमंड शेल मतलब जो बादाम का जो छिलका होता है उसकी हेल्प से, और कुछ लोगों ने रंगोली बनाई है सूखी हुई पत्तियों से और सॉडस्ट मिट्टी से। और आज क्या है, आज फर्स्ट डे है कैंप का और हम सब बहुत खुश हैं। सुबह हम सब बैठे ग्राउंड पर एक सर्कल बना करके और हमने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और सबने अपने बारे में बताया कि वो मतलब कहाँ से हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है, ये सब कुछ। और चिल्ड्रन सारे के सारे जो बच्चे हैं वो पिक्चर्स लेके आए हैं अपनी फैमिली की और अपने घरों की, और हर किसी ने अपने घर के बारे में बात की। तो जो भुवन का ग्रुप था वो पहला था जिसने बात की थी। तो भूपेन जो है वो अपने को इंट्रोड्यूस करता है, वो बताता है कि वो है मोलन विलेज, मोलन गांव जो कि असम में है, और वो बताता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है इसलिए जो उनके घर हैं वो लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ये पिलर्स से बने हुए हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे से घर हैं, तो इस तरीके के घर के बनाए जाते हैं जो 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ बारिश पड़ती है और नीचे काफ़ी पानी भर जाता है, तो पानी से बचने के लिए उनको काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है और एक स्टेयर सी बनाई जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। और घर किसके बने होते हैं, बेम्बू के बने होते हैं, और अंदर की तरफ से घर लकड़ी के भी बने हुए होते हैं। तो हमें क्वेश्चन है इसमें हमारे लिए, वायर हाउसेस मेड ऑन बेम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। तो जहाँ पर भूपेन रहता है वहाँ पे जो घर है वो बैम्बू से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैम्बू एक तो इजीली अवेलेबल होता है और ऊपर से वहाँ बारिश इतनी पड़ती है कि किसी और चीज़ से बनेंगे तो वो बहुत जल्दी वो मटेरियल ख़राब हो जाएगा, और बैम्बू जो है वो ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो वहीं का ट्री है। वॉट काइंड ऑफ रूफ्स रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, वाई आर दे मेड लाइक दिस, और इनके घर में किस तरीके की छत होती है, रूफ़ का मतलब छत, और वो इस तरीके से क्यों बनाई जाती हैं। तो इनके घरों में स्लैंटेड रूफ्स होती हैं। स्लैंटेड देखिए ऐसा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार बना के, ब्रश ले लेते हैं, जैसे ये होता है ना ऐसे करके, ये होती है स्लैंट रूफ, ऐसी ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई। तो ऐसी रूफ़ क्यों बनाई जाती है, ऐसी रूफ़ इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। अगर हम फ्लैट रूफ़ बनाएंगे, अगर हम मान लीजिए इस तरीके से रूफ़ बनाएंगे जैसे नॉर्मली प्लेन एरियाज में बनती है, अगर सीधी रूफ़ बनाएंगे किसी घर की तो उसमें तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, हिट्टा हो जाएगा और पूरे घर में सिलाबी आ जाएगी, इसलिए स्लैंटेड रूफ़ बनाते हैं ताकि पानी ईजिली नीचे की तरफ बह जाए। हाउ डज़ वन एंटर दीज हाउसेस, द वन एंटर दीज हाउसेस विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स की मदद से, और एट द नाइट द लेटर इज़ रिमूव फ्रॉम दीज हाउसेस, कैन यू टेल व्हाई, और रात के समय लेटर को हटा दिया जाता है। लेटर का मतलब है सीढ़ी। तो क्यों हटा दिया जाता होगा, एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि जंगल का एरिया होता है तो वाइल्ड एनिमल्स भी आ सकते हैं और थीफ वगैरह चोरी इस सब के डर से हटा दिया जाता होगा उन लेटर्स को वहाँ से। अब एक और बच्ची है जिसका नाम है चमेली, वो बताती है कि वो मनाली से है जो कि एक पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है, स्नोफॉल भी होता है वहाँ पर, और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, और उनको बैठना पसंद है जब धूप में, जब धूप निकलती है। उनका घर भी जो है या तो लकड़ी से बना हुआ है या फिर पत्थरों से बना हुआ है। उनकी जो रूफ़ है वो भी देखिए ऐसी ही स्लैंटेड रूफ़ है, इस टाइप से ही है ना, स्लैंटेड रूफ ही इसलिए बनाई जाती है ताकि जैसे कि बर्फ़ इकट्ठी हो गई है तो बर्फ़ आसानी से नीचे गिर जाए खुद ब खुद, जब वो पिघल गएगी बारिश का पानी भी इजीली गिर जाएगा, इसलिए इसको स्लैंटेड रूफ़ बनाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस, चमेलीज हाउस इज इन मनाली इन द हिली एरिया। वॉट इज द सिमिलैरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेली एंड भूपेन्स हाउस, द रूफ्स ऑफ बोथ द चिल्ड्रंस चमेली एंड भूपेन हाउसेज आर स्लैंटेड, हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरियाज। तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर, तो कि वो पानी जो है या फिर जो बर्फ़ है वो इजिली नीचे की तरफ गिर जाता है और रुकता नहीं है छतों पर। अब मिताली और अनुज की बारी आई। मिताली और अनुज जो हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं, उन्होंने दिल्ली की पिक्चर दिखाई सबको, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो भूपेन ने कहा कि इतनी बड़े घर, तुम उन पर ऊपर घरों में चढ़ते कैसे हो।
तो फिर अब हमें, हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू पीपल गो इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, मतलब मल्टी स्टोरी का मतलब होता है कि कई सारी इमारतों वाली, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये घर है सपोज, और इसमें ऐसे 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 ये स्टोरीज हैं, कई मंजिलें हैं घर की, तो इसको कहते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स. तो कैसे जाते हैं, या तो लिफ्ट की हेल्प से जाते हैं या फिर स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी की सहायता से जाते हैं. तो इसमें ये जो बॉक्स है, इसमें बताया गया है कि दिल्ली हमारी जो कंट्री है उसकी कैपिटल है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाँव से और छोटे शहरों से लोग आते हैं काम की तलाश में. कुछ मोस्टली जो लोग हैं वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग तो स्लम्स में रहते हैं, जो मतलब मतलब झोपड़ी वगैरह होती है उसमें रहते हैं, और कुछ लोगों को तो घर रहने को मिलता ही नहीं है. तो शेल्टर जो है, मतलब छत घर पे, एक किसी के सर पे छत होना या घर होना, मिल पाना बड़ी सिटीज़ में बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है. अब इसका नाम है कंचीराम. ये बताता है कि ये राजस्थान से आया है, और राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, और वो इसलिए मिट्टी के घर में रहते हैं, और जो उस घर की दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, और जिनको प्लास्टर किया हुआ है मड से, मतलब मिट्टी से, और जो उनकी छत है वो जो झाड़ियाँ होती है ना, थोड़नी, मतलब जिसमें कांटे होते हैं, ऐसी बुशेस, छोटे छोटे कांटेदार पेड़ों से उनके घर की छत बनाई गई, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है. तो अब इसमें आगे बोलते हैं कि इसी तरीके से कि बाकी सारे बच्चों ने भी, जो अलग अलग जगह से आए थे, उन्होंने भी अपने घर के बारे में बातें की, और जब पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, कल्चर प्रोग्राम हुआ, इसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने कई तरीके के डांसेस को परफॉर्म किया. उन्होंने अपने जो फोक सॉन्ग है, मतलब जो उनके जो एरिया है उसमें जो गाए जाने वाले गीत हैं, वो गाए और डांसेस परफॉर्म किए. फिर उसके बाद कहवा सबने खाया, जिसमें बादाम थे और कार्डमम थे, कार्डमम मतलब इलायची थी, और सबने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए. और शाम के टाइम वो डल लेक में गए. डल लेक कहाँ है? कश्मीर में है. और उन्होंने बोट हाउस देखी. बोट हाउस जैसे कि हमें सेकंड वाली पिक्चर में दिखाया गया है, बोट होती है और घर टाइप का होता है अंदर, उसमें सारे जैसे घर में चीज़ें होती हैं, आराम करने की चेयर, टेबल, बेड्स वगैरह, वो सब कुछ होता है. और वो शिकारा पे बैठे, और सम चिल्ड्रेन मूव टू द ओआर, तो मतलब इधर उधर घूमने के लिए वो निकल गए. और उन्होंने बोट में से देखा चार चिनारी, जो कि ब्लू माउंटेन से सराउंडेड थी, मतलब एरिया है चार चिनारी जिसके आसपास ब्लू कलर की माउंटेन्स थी. अब इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज़ बोट हाउस डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस? बोट हाउस जो है वो कैसे अलग होता है बाकी हाउसेस से? बोट हाउस जो है वो पानी के ऊपर चलता है, और लोग उसमें जनरली ट्रैवल करने के लिए ही जाते हैं, मतलब घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, और हमारे जो नॉर्मल घर है उनमें तो हम हमेशा रहते हैं. वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? वाई? अगर आपको पसंद आएगा वहाँ रहना, हाँ आएगा तो, क्योंकि पानी पे घूमता रहेगा, आराम से इंजॉय कर सकते हैं, ठंडा ठंडा भी लगेगा, अच्छा सा लगेगा. अब हमें पिक्चर है और इसमें हमें मैच करना है, तो कौन चीज़ क्या है, तो मैच कर लेते हैं. देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये इग्लू है, हाउस ऑफ स्नो, बर्फ से बना हुआ. सेकेंड वाला तो हमारा बोट हाउस है, अभी देखा था हमने. फिर हमारा है जो बड़ी सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये. फिर हमें बताना है टेंट, ये हमारा फोर्थ वाला टेंट है, और लास्ट वाली है हमारी हट. ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब देखते हैं आगे क्या. तो आगे हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया. सो थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.